हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हीट ट्रीटमेंट के टैम्परिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं टैम्परिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली तौर पर दिखाना चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि आप इसे समझ जाइए। देखिए, सबसे पहले टैम्परिंग देखने से पहले हम थोड़ा हार्डनिंग को देखेंगे, तो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पार्ट्स को लिया, उस पार्ट्स को हमने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म किया। जब हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, अर्थात 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो पार्ट्स के अंदरूनी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना जो है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। अर्थात उसमें आयरन, कार्बन, सभी चीज़ अलग अलग हो जाएगा। जब हो जाता है तो वह स्ट्रक्चर बनता है ऑस्टेनाइट। ठीक है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को यदि आप तुरंत क्वेंचिंग कर दें तो बनता है मार्टनसाइट। और मार्टनसाइट स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही कठोर होता है। एग्जाम में कई बार आ चुका है कि सबसे कठोर और भंगुर स्ट्रक्चर कौन सा है, तो सबसे भंगुर और कठोर जो होता है वो है मार्टनसाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्टनसाइट क्या होता है, कठोर तो होता है लेकिन बहुत ही भंगुर है। अब आपको टूल्स बनाना है, वो सिर्फ कठोर कठोर हो तो कैसे काम चलेगा, उसमें थोड़ा सा झटका लगते ही वो टूट जाएगा। तो हम कठोर तो बना देते हैं, तो हमको कठोरता का गुण तो रखना है, लेकिन उसके साथ साथ जो भंगुरता, ब्रिटलनेस है, उसको हमको ख़त्म करना है। ये हमारा उद्देश्य है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मार्टनसाइट स्ट्रक्चर बना है उसको हम ट्रूस्टाइट में बदलेंगे या सराइट में बदलेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, मार्टनसाइट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा भंगुरता को कम करना, ताकि वो झटके सहन कर सके। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य आपको समझ में आया होगा, टूल का कठोरता बना रहे पर उसके भंगुरता को कम करना है। तो हम मार्टनसाइट से, मार्टनसाइट जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कठोर है और भंगुर है, कि कठोर तो रहेगा पर ये भंगुरता को हम कम करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हम टूल बनाएंगे तो झटके से टूटे नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे ताकि ये जो मार्टनसाइट स्ट्रक्चर है वो ट्रूस्टाइट में बदल जाए। ट्रूस्टाइट या एक सर्वाइट भी होता है, उसमें भी आप दोनों में से किसी में भी बदल सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, इसको एक बार देख लेते करेंगे क्या। सबसे पहले पार्ट्स को लेंगे, पार्ट को लेकर हम उसे गर्म करेंगे अपर क्रिटिकल तापमान तक पहुंचने के बाद। फिर उसे हम, इसको दो प्रोसेस से कर सकते हैं, आप एक बार ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। इसके दो मेथड है, एक तो हम सिंगल हीटिंग यूज करेंगे। सिंगल हीटिंग में क्या होगा, हम पार्ट्स को एक ही बार गर्म करेंगे, और जब वो एक बार तो 800 तक गर्म करेंगे सिंगल हीटिंग में, ध्यान रखिए सिंगल हीटिंग में 800 तक गर्म करेंगे। फिर उसको क्वेंचिंग करेंगे, क्वेंचिंग करते ही पार्ट्स ठंडा होना शुरू होगा। तो जब ठंडा होना शुरू होगा तो उसका कलर लगातार चेंज होता रहेगा मेटल का। ठीक है, तो चेंज होना शुरू होगा, तो जैसे ही आप समझ जाएंगे कलर देख के कि ये लगभग 280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है, 280 डिग्री। ठीक है, तब आप उस पार्ट्स को, ये कुछ मिनटों में होगा या कुछ सेकंडों में होगा, जैसे ही आपको लगता है कि 280, 240 आपके आवश्यकता के हिसाब से, जैसे ही आपको लगता है कि हाँ 240 हो गया है, तो आप पार्ट्स को दोबारा उसी क्वेंचिंग माध्यम में तुरंत ठंडा कर दें। तो उससे क्या होगा कि स्टील में कठोरता रहेगा, बना हुआ रहेगा, और थोड़ा सा उसमें ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर आ जाएगा, थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट करने वाला या टफनेस का गुण आ जाएगा, जिससे पार्ट नहीं टूटेगा। तो हमने क्या देखा, सिंगल हीटिंग, फिर से एक बार सुन लीजिए, सिंगल हीटिंग में पार्ट्स को एक बार गर्म किया, उसी एक बार गर्म किया था तो हमने पहले क्वेंचिंग किया, जैसे ही पार्ट्स में कलर चेंज होना शुरू हुआ उसके एंड सिरे से, जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हुआ, फिर हमने दोबारा, जैसे ही हमको लगने लगा कि 280 या 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है, तो हम दोबारा उसे
पूरी तरह से ठंडा कर देंगे। ठीक है, ये चीजल है, पहले हम इसको खूब गर्म करेंगे, फिर उसको जैसे ही अपर क्रिटिकल में कुछ समय तक रहेगा फिर हम उसको क्वंचिंग कर देंगे, क्वंचिंग माध्यम में क्वंचिंग करके फिर उसको निकाल के रखेंगे और टोंग से इसको पकड़ के, जैसे ही हमको लगेगा कि हाँ अब 280 के आसपास है, हम फिर से पूरी तरह से क्वंचिंग कर देंगे और हमारा प्रोसेस हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रोसेस था सिंगल हीटिंग मेथड, सिंगल हीटिंग। दोस्तों आप डबल हीटिंग देख लेते हैं, इसमें दूसरा विधि है। डबल हीटिंग में क्या होता है, तो डबल हीटिंग में पहले तो पार्ट्स को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाएंगे, आप 800 से 850 ले जाएंगे मान लीजिए। ठीक है, लेने के बाद जब कुछ समय तक उस टेम्परेचर में पार्ट्स रहेगा तो आप पार्ट्स को क्वंचिंग कर दीजिए और पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए उसे, पूरी तरह से क्वंचिंग कर दीजिए। अब पार्ट्स कठोर हो गया है, ठीक है ना, आप पार्ट्स को आप निकाल लीजिए, ठंडा होने के बाद पार्ट्स को निकाल लीजिए बर्तन में से। निकालने के बाद आप फिर से पार्ट्स को डालिए भट्टी में, फोर्ज में डालिए और गर्म करना शुरू करिए। जैसे ही आपको पार्ट्स के कलर में हीट दिखने लगे कि 280 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया, तो पार्ट्स को फिर से टोंग्स से पकड़ लीजिए और फिर क्वंचिंग माध्यम में उसे पूरी तरह से ठंडा कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका डबल हीटिंग। इसको एक बार गर्म किया, दो प्रोसेस कंप्लीट किया, इसको दो बार गर्म किया और दो प्रोसेस कंप्लीट किया, तो हमारा ये जो दो प्रोसेस है इसका, ये टेम्परिंग का दो मेथड होता है। तो इसको क्यों किया जाता है, तो इसको इसलिए किया जाता है कि पार्ट्स जब कठोर रहेगा तो वो टूटेगा, टूल्स कठोर रहेगा तो टूटेगा, और जो टेम्पर रहेगा तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हैं, जैसे ड्रिल बिट उसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं, तो थोड़ा झटके लगने से टूटता भी नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ही एक स्पेशल प्रोसेस है और हार्डनिंग के बाद निश्चित तौर पे से किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बनता है कि टेम्परिंग कितने डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, तो टेम्परिंग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान पे किया जाता है। तो आपको आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर 800 क्यों बता रहे थे बार बार आप, 800 में इसलिए बता रहा था कि 800 में हमने हीट करके उसे कठोर किया, हार्ड किया है, उसमें मार्टन साइड स्ट्रक्चर की वृद्धि किया है। टेम्परिंग तो हमने 280 से नीचे ही किया है या 280 के आसपास, 240 के आसपास किया है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना होगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि अलॉय स्टील के टेम्परिंग के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तो एग्जाम में कई बार आ चुका है और भविष्य में भी आता रहेगा। एग्जाम में आने से पहले आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलॉय स्टील के लिए 550 से लेके 560 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ठीक है, 550 से लेके 560 डिग्री स्पेशल स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, इन सभी के लिए 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसे टेम्परिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका टेम्परिंग चैप्टर, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लाइक करिए, मेरा हौसला को बढ़ाइए आप, और सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।